हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मा। मेरे किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुलचे। तो आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। एकदम मुलायम मुलायम ऐसे कुलचे आप घर पे बनाएंगे तो आपके बच्चे खुश हो जाएगा। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए ले लिया मैंने 2 कटोरी मैदा, 2 बड़े चम्मच की दही, 1 कप गरम दूध गुनगुना गरम, मीठा सोडा डाल देंगे 1 चम्मच, नमक डाल देंगे 1 चम्मच, चीनी डाल देंगे 1 चम्मच, ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच बड़े चम्मच की। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गून के। अच्छे से इसको मिलाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। जितना अच्छे से गूंदोगे उतना अच्छा कुलचा बनेगा। देखिए मैंने अच्छे से गूंद लिया। इसमें थोड़ा हल्का तेल लगा लेंगे, हाथ में तेल लगा के इसको ढक के रख देंगे 30 मिनट के लिए। तो देखिए कितना सॉफ्ट आटा। अब इसको ढक के रख लेंगे। रेडी है हमारे कुलचे के लिए मैदा। तो 30 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया। तो देखिए 30 मिनट हो गया। देखिए कितना अच्छा रेडी है मैदा। तो इसको और थोड़ा गून लेंगे, अच्छे से गून लेंगे इसको 1-2 मिनट। तो देखिए मैंने 1-2 मिनट गून लिया। तो देखिए कितना अच्छा हुआ। तो ऐसे करके मैं लोई बना लेंगे कुलचे के लिए। तो देखिए लोई बना लिया मैंने। तो इसको अभी बेल लेंगे अच्छे से। सूखा मैदा डाल दिया मैंने, लोई को अभी बेल लेंगे। थोड़ा हल्का धनिया पत्ते की छींटा दे के, देखिए मैंने धनिया पत्ता डाल दिया और इसको बेल लेंगे हल्का मैदा की छींटा दे के। सूखा मैदा मैंने पतले पतले बेला है, आपको जैसे पसंद है आप बेल लीजिए वैसे ही। तो देखिए अच्छे से मैं बेल लिया। तो ऐसे करके ऐसे बड़े बड़े करके पतले पतले करके मैंने बेल लिया। तो एक तवा गरम कर लिया मैंने, उसमें पानी की छींटा दे दिया। इसमें डाल देंगे कुलचे जो मैंने बेला और इसको ढक देंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे ढक के। मैं इसको ज़्यादा नहीं सेकूंगी कुलचे को, आपको जैसे पसंद है आप सेक सकते हैं। तो देखिए कुलचे हमारे रेडी है। तो मैं ऐसे करके सेक लूँगी सारे कुलचे। देखिए कितना अच्छा बना है। और दूसरा लोई बेल लेंगे ऐसे करके, धनिया पत्ता डाल के थोड़ा सूखा मैदा डाल के बेल लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने बेल लिया। उसमें तवा में मैंने पानी की छींटा दे देंगे पानी की छींटा दे दिया। कुलचे को डाल देंगे तवा में, फिर से ढक देंगे। तो देखिए रेडी है हमारा कुलचे बनके। इसको पलट देंगे। देखिए ऐसे करके सारे कुलचे बना लेंगे। देखिए कुलचे बनके रेडी है हमारा। कुलचे कितना अच्छा फूला है देखिए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम। आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो देखिए हमारा कुलचे बन के रेडी है, कितना अच्छा बना है। देखिए एक मुट्ठी में आ रहा है, ये देखिए एकदम मुलायम। आप इसको एक महीने तक रख सकते फ्रिज में, ऐसे सेक के निकल के सेक के खा सकते हैं, ऐसे गर्म करके। देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। तो मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय। आज के लिए इतना ही।